हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। इसकी ना लाइट्स में जो दिक्कत थी, हमने ये इसमें लाइट लगी हुई आती है कंपनी की तरफ से 60x55 वॉट 12V का बल्ब है, ये है ना फिलिप्स का बल्ब है। इसमें अब हम अपडेट करवा रहे हैं, ये अपनी गाड़ी इसमें अपडेट करवा रहे हैं हम ओसराम का LED बल्ब जो कूल व्हाइट में है पूरा, और एक साल की वारंटी या गारंटी के साथ आता है ये बल्ब, है ना। तो रात को आपकी मैं इसकी लाइट भी चेक करवा दूंगा कि किस तरह की ये लाइट थ्रो करता है, ठीक है। कॉस्टिंग भी आपको फिर शाम को मैं डिटेल में बता दूंगा। तो गाइस प्रॉपर ये देखो, कपलर टू कपलर फिटिंग हुई है इस लाइट की, कोई वायर कटिंग नहीं है, है ना। तो कपलर टू कपलर ही ठीक रहता है ना, वायर कट मत कराया करो यार गाड़ी में। यार फाइनली दोनों बल्ब फिट हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल व्हाइट लाइट है ना। बाकी शाम को अंधेरे में पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, थोड़ी सी गंदी हो गई है। ये बिल्कुल व्हाइट लाइट इसमें अभी फिलहाल जल रही है, तो ये शाम को देखेंगे कि किस प्रकार से इसका जो LED थ्रो है या लाइट की क्वालिटी है वो कैसी है। ये जो हमने ओसराम का बल्ब लगाया है अपने कार में, ये अपनी इग्निस में, तो वो लगाया है हमने, मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, है ना। तो वो लगाया है हमने चौधरी एसोसिएट से लगवाया है वो, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर था तो मैं थोड़ा गाड़ी के अंदर आ गया। चौधरी एसोसिएट से लगाया है, ये है प्रिंस चौक के पास, है ना। तो आपको भी अगर गाड़ी में जैसे बल्ब लगाना हो या कुछ चीज और इंस्टॉल कराना हो तो आप यहाँ से करा सकते हैं। ये देहरादून में है, प्रिंस चौक के पास है, ठीक है। तो देहरादून वालों के लिए है, वो भी इजिली देख सकते हैं या इनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और इनसे बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, चलो ओके। सो फाइनली फ्रेंड्स, हो चुकी है रात और ये है अपनी इग्निस। तो यार भाई LED लाइट लगा के यार मजा आ गया, थोड़ा फोकस देखो यार, ये है सामने LED लाइट इसकी जो मैंने लगवाई है भाई, मतलब बिल्कुल मजा ही आ गया। रात को पूरा रोशन कर दिया इसने ढंग से। चलते हैं अंदर, ये है लो बीम, ओपन करते हैं इसका हाई बीम। तो ये है देखो, व्हाइटिश शेड आ रहा है और थोड़ी सी अपनी इग्निस अच्छी लग रही है भाई इस लाइट में, ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर। ये है इसका, ये है इसका हाई बीम, ये है लो बीम। तो यार अच्छा लग रहा है, फोकस अच्छी है, तो अब दिक्कत नहीं होगी जो प्रॉब्लम थी। तो चेंज तो कराना ही पड़ रहा था, बल्ब तो करवा दिया, और लेकिन ठीक है, पैसा तो खर्च हुआ है लेकिन भाई रिस्पॉन्स अच्छा मिला है लाइट का। वीडियो को देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।